नमस्कार, मैं हूं गोविंदा यादव और आप देख रहे हैं प्लानेट भोजपुरी। आज हमारे साथ हैं भोजपुरी के एक्ट्रेस काजल यादव। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं काजल यादव से। जी, आप सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम। जी, ये फिल्म थी एक विवाह ऐसा भी, इसका ट्रेलर आज हमने देखा। बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है और बहुत ही इमोशनल लव स्टोरी है और प्लस फैमिली को ले करके ये फिल्म बनाई है, तो बहुत अच्छी फिल्म है। बात कीजिए इस फिल्म में कि आपके साथ हीरो कौन है? जी, इस फिल्म में मेरे साथ जो है वो है कुणाल तिवारी जी। बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। और जैतोष जी हैं जो इंडस्ट्री के लिए एक नए हीरो हैं, तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री है हमारी इस फिल्म में। जैसे कि बात की जाए, काफ़ी लोग कहते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता होती है, फैमिली के साथ हम लोग फिल्म देख नहीं सकते, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अश्लीलता, हाँ, लोग बोलते हैं। जैसे मैं भी जब भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं थी, मेरी मम्मी थी उस वक्त, अभी भी है वो, माया यादव जी उनका नाम है, जैसे कुछ लोगों को अगर नहीं पता हो तो मुझे भी ऐसा लगता था कि भोजपुरी बहुत अजीब है, अश्लीलता होगी शायद। मैंने ये सुनी हुई बात थी, जो हम सुनते हैं हम वही बोल देते हैं, हम बोलने से पहले सोचते नहीं है कि उस इंडस्ट्री का माहौल क्या है। और जब मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ तो मैंने ये नोटिस की हूँ कि बहुत नीट एंड क्लीन इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी फिल्में बन रही है और पब्लिक फैमिली के साथ जाके देख सकती हैं। और ये कुछ एल्बम्स जो होते हैं वो थोड़े से अजीब होते हैं, जो अश्लील होता है उसमें, उसके जो लिरिक्स होते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आजकल सेंसर बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया है चीज़ों को लेके, एक एक डायलॉग्स और गानों को लेकर, और थोड़ी बहुत 19-20 का ये अश्लीलता होगी भी तो वो मिटती चली जा रही है भोजपुरी से। बात की जाए इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, तो उनके बारे में बताइए। प्रवीण जी हैं इस फिल्म के डायरेक्टर और उनके साथ मैंने अब तक की 3 फिल्म कर चुकी हूँ और एक विवाह पहली फिल्म थी प्रवीण जी के साथ, और मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने बहुत नाम सुना था प्रवीण जी के साथ, उन्होंने साथ दिया और काफ़ी मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई थी उन्होंने, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। क्योंकि मुझे हमेशा से ये रहता है कि मैं अच्छे टीम के साथ जुड़ के काम करूँ, अच्छा डायरेक्टर हूँ जिनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिले, तो वैसे ही प्रवीण जी के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत कूल नेचर के हैं वो और बहुत अच्छे से आपके सीन्स आपको इतने अच्छे से समझा देंगे कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उसमें, तो बहुत अच्छा लगा प्रवीण जी के साथ काम करके। जैसे कि बात की जाए इस फिल्म के गाने के और शूट के बारे में, तो बताना चाहेंगे कहाँ कहाँ पर शूट हुआ है? ये हमने पनवेल में एक बहुत अच्छा लोकेशन है वहाँ पे शूट किया है एक विवाह ऐसा भी का, और गाने मुन्ना दुबे जी ने लिखे हैं, बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत फैमिलियर गाने हैं, अश्लीलता कहीं भी नहीं है गानों में। कहीं कहीं कोई कोई फिल्म होती है जो अश्लीलता डाल देती है गानों में या कोई कोई सीन्स के ज़रिए, बट हमारी फिल्म में बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ये चीज़ बहुत ही गारंटी के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी ऑडियंस मुझे जो प्यार और सम्मान देती है तो वो मेरी इस फिल्म को भी बहुत प्यार दे। दर्शकों के बीच कब तक आएगी? रिलीज की बात की जाए तो बताना चाहेंगे? रिलीजिंग का तो मुझे आइडिया नहीं है, ये तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर, प्रोड्यूसर और टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि कब रिलीज़ करना है। लेकिन ये जब भी आएगी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। और मैं ये कहना चाहूँगी, हमारी टीम में बहुत मेहनत की है एक विवाह ऐसा भी का, और प्रवीण जी ने कुछ अलग करने की कोशिश की है, तो जो कुछ अलग होती है जब चीज़ें, तो उसे अप्रिशिएट आप लोग ज़रूर कीजिए और प्यार दीजिए। आशीर्वाद छठी मैया की रिलीज़ होने वाली 25 अक्टूबर को, तो आप लोग सब ज़रूर देखिए वो फिल्म। और हीरिए अभी हम फ्लोर पे जाने वाले नवंबर में, और उसके बाद त्रिया चरित्र। मेरी ही नहीं और लोगों की भी, और आर्टिस्टों की फिल्म जाके थिएटर में देखिए, क्योंकि बहुत मेहनत है फिल्म मेकिंग में। एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर, आर्टिस्ट, पूरी टीम बहुत मेहनत करती है, और ऐसे आप यूट्यूब पे आने का वेट मत कीजिए। मुश्किल से आप टाइम निकालिए, 50 रुपीज़ की टिकट आती है, तो आप प्लीज़ जा कर के ये हम समझें कि आप हमारा काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब थिएटर्स में जाके हमारी या हमारी इंडस्ट्री की जितनी भी फिल्म्स आती हैं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना आप सबके हाथ में है, तो आप अगर थिएटर तक जाएंगे तो बहुत सारी थिएटर्स बनेंगे, ताकि पब्लिक बढ़ेगी उस हिसाब से, तो अच्छी अच्छी फिल्में आएगी। प्लानेट भोजपुरी के दर्शकों के क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्लानेट भोजपुरी के दर्शकों को यही कहूँगी कि इनके चैनल के ज़रिए जितने भी वीडियोस आए उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लानेट भोजपुरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमें, मुझे काजल यादव को ब्लेसिंग्स दीजिए, अपना प्यार दीजिए। प्लानेट भोजपुरी।